But how many pairs of shoes do you own? Right now? Huh. I think I have, mashallah, mashallah, touch wood, 85. खामोशी सारी लड़कियां चुप कर गई 85 pairs of shoes which would make it 80 160 तो ये 170 like shoes 80 85 हो गए ना दो पैर हो गया तो 160 जूते रखती कहां पे आप ये जूते घर पे obviously no as in I know what you're saying नहीं आपने क्या अलग से एक कमरा बना दिया होगा पूरा दो तीन रूम्स मिलके एक you know like a wardrobe walk-in closet जूते because मेरा यही था मैं आपको बताऊं अभी से ऐसी नहीं हूं मैं बचपन से ऐसी हूं अगर मैंने अभी Instagram पे भी एक अपनी बचपन की पिक्चर लगाई थी तो लोग मुझे कह रहे हैं कि बचपन से यू आर लाइक यू नो ऐसे बैठने वाला बच्चा ऐसे बैठेंगे तो शर्ट ऐसे करके बैठेंगे खाएंगे तो नैपकिन ऐसे लगाएंगे आई वाज लाइक हां क्योंकि मम्मा ने इन चीज़ों पर बचपन से ही वो उनका ये मानना था कि जब आप 6 years तक के हो जाते हैं तब तक आपका जो ब्रॉटअप होता है ना तब वो बन जाता है राइट 6 to 7 तो उन्होंने वो 6 to 7 पे इतनी मेहनत कर ली कि मुझे अब जब मैं चीज़ें अकॉर्डिंग टू नहीं देखती हूँ जो आप कह रहे थे कि भागना वो भी वन ऑफ द रीज़न ये था कि वन थिंग्स वर यू नो आई डोंट माइंड ऑनेस्टली मैं ज़मीन पर मैं ऐसी हूँ कि मैं ज़मीन पर बैठ के भी खाना खा लूँ मुझे इन चीज़ों से 1% भी मसला नहीं होता मैं टाइम के साथ साथ और ग्राउंडेड हो रही हूँ मुझे लगता है कि जी सब ने सब चीज़ें इधर ही रह जानी है बाय द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी और पहली चीज़ ये होती है कि आपसे के जो सामने लोग हैं और आपसे बेसिकली जो आपसे नीचे लोग हैं इन टर्म्स ऑफ सेट पे पॉली वाला मेकअप वाला किचन वाला कपड़े प्रेस करने वाला मैं आई थिंक ARY के साथ बैक टू बैक काम इसीलिए कर रही हूँ एक प्रोडक्शन से जंप होती हूँ दूसरे प्रोडक्शन पे बिकॉज उनको ये बात पता है कि ये बिकॉज मैं ना हर किसी के बारे में सोचती हूँ एंड ये मेरे अंदर है मैं जब मोमेंट के शो पे भी गई थी तो वो कहता है कि ही इज़ लाइक ओ लीडर लीडर आई वाज लाइक इट्स नॉट अबाउट लीडर इट्स अबाउट मेरे अंदर से सबके लिए फील आती है और मैं वाकई ही सबके लिए सोचती हूँ मुझे किसी से इट्स नॉट अबाउट कि मुझे किसी की गुड बुक्स में बैड बुक्स में होना आई एम सो सॉरी मैं जिसकी बुक में जहाँ हूँ आई डोंट माइंड आई डोंट केयर मैं सच बात आपको कह रही हूँ हर दूसरों का सोचना चाहिए बेचारे पॉली वाले वो मतलब आई थिंक पर डे पे होंगे या आई डोंट नो मंथ सैलरी वाइज होंगे जो भी एक्स वाई जी मैं ना कर सकती हूँ ना मैं देख सकती हूँ अगर कोई करेगा तो मैं उसको रोकती हूँ बहुत अच्छी बात है मैं अच्छा, मुझे ये बताएं एक और परसेप्शन है कुछ लोगों की हमारी इंडस्ट्री को लेके कि भाई यहाँ पे तो कास्टिंग काउच भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे आप जब इंडस्ट्री में आ जाते हैं अनफॉर्चुनेट है बहुत अनफॉर्चुनेट है बट कुछ ऑडियंस का ये भी सर्टन सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस थिंक्स कि यार के ओ भाई ये तो एक्टर है या एक्ट्रेस है ये तो दो नंबर ही होगा या होगी आपने कभी इस तरह की परसेप्शन को फेस किया है या फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री कभी आपने अनटुवर्ड बिहेवियर एक्सपीरियंस किया किसी का मैं आपको बताती हूँ अब देखिए यही तो बात है ना कि हम कहते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं ओनली वी नो आउटसाइडर जो कि हमारी आवाम है हमारी मासेज है उनको कुछ नहीं पता है जो दिखता है उनको वही नज़र आता है आपने इंटरव्यू में बैठ के कह लिया कि मैं ये वो कहेंगे अच्छा बस यही है यही पिक्चर है आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता एंड मी बीइंग बिलोंगिंग फ्रॉम अगवानी फैमिली ठीक है आप दुनिया में जो भी पहन लो जहाँ भी रह लो इंस्टाग्राम तो मेरा प्राइवेट था लाइफ मेरी पूरी प्राइवेट थी पब्लिक आई तो नहीं थी पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं था राइट लेकिन उस फैमिली के लिए भी एक्सेप्टेंस करना कि इंडस्ट्री में आना एक मैं आपको बात कहूँ जब आप जिस चीज़ में नहीं होते ना आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता फॉर इंस्टेंस एक एक्टर है एक एक्टर के बारे में आवाम कहती है कि यू नो एक्टर ऐसे होते हैं एक्टर में एटीट्यूड होता है उनमें ये होता है अपने आप को कुछ समझते हैं बिग पीपल दिस एंड दैट अनटिल एंड अनलेस आपका किसी चीज़ से इंटरेक्शन नहीं होता आप मिसकंसेप्शन हर बंदे ने अपने दिमाग में पाले होते हैं सही बात और वो क्लियर तब होते हैं जब आप उस चीज़ के अंदर होते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं आप जब अंदर आए इस चीज़ के तो आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है मैं आपको बताती हूँ जैसे मैं बैक टू बैक यू नो मैं एक ही चैनल पर स्टिक हूँ तो लोग कह रहे हैं एक ही चैनल पर क्यों स्टिक है शी शुड डू जियो शी शुड डू हम यू नो एंड आई एम लाइक